प्रत्याशियों पर अब लोकसभा चुनाव की सरगर्मी सर चढ़कर बोल रही है। दरअसल लोकसभा सीट सलेमपुर से भाजपा प्रत्याशी रविंद्र कुशवाहा के समर्थन में जनता को संबोधित करते हुए बीजेपी विधायक केतकी सिंह ने विपक्ष को बिच्छू और खेत चरने वाला घोड़पड़ास बताते हुए जनता से आह्वान किया कि खेत में जब घोड़पड़ास घुस जाता है तो लाठी से हाँकना पड़ता है, इसलिए आप दूसरे पार्टी वाले इन घोड़पड़ासों को लाठी लेकर हाँक कर भगा दीजिए और 1 तारीख को मोदी जी को वोट दीजिए। तो वहीं बीजेपी प्रत्याशी रविन्द्र कुशवाहा ने राहुल गांधी के एक बयान को देश विरोधी बयान बता डाला। आप भी सुनिए केतकी सिंह और रविन्द्र कुशवाहा ने क्या कुछ कहा। पंडित जी बताओ बिछू लेखा बताओ हवन सर, हमने के कहा जाला जब खेत में फसल बढ़िया लगे ला तो कौन चीज चले ला घोपड़ास देखले बढ़िया उन्होंने आई हमारे फसल चढ़ते चल गई। यही तरह मोदी जो काम करो तरन 10 बजे से आए वाला 5 साल में जानो तरन सर की अगर मोदी प्रधानमंत्री बन जाए तो घरे घरे आवास शौचालय राशन पेंशन सब दे दी, ऐसे ही मैं घोपड़ास निकलने पड़ो अब अपना अपना घर से। अब घोपड़ास निकलेगा तो भैया आप सब क्या करे नहीं जा लाठी लेके हाके नहीं जा हाके नहीं जाते ना तो हाथ के बगल ही नहीं कि मैं दूसरा पार्टी वाले घोपड़ासन के कि मैं गांव मोदी जी के वोट 1 तारीख के दी ही। रामाशंकर विद्यार्थी को हम आमंत्रित करना चाहते हैं कि हमारे घर आ जाएं, हमारे घर के सामने की पानी की टंकी वो क्वेश्चन के बाद तुरंत चालू हो गई, अगर दिक्कत है तो उनको आए वहां पर नहलवाएंगे बढ़िया से ठीक से साफ सफाई हो जाएगी। संविधान तो खतरे में तब था जब उनकी दादी ने पूरे देश के अंदर आपातकाल थोप दिया था, देश के नेताओं को जेल में बंद कर दिया था, पूरे देश में तानाशाही लागू हो गई थी और पूरे देश में संविधान को स्थगित कर दिया गया था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए गए संविधान का जितना अपमान कांग्रेस ने और इंदिरा गांधी ने किया है और कांग्रेस ने किया है उतना कभी किसी की हिम्मत नहीं कि कर पाएगा। और जो सम्मान संविधान का भारतीय जनता पार्टी करती है, हमारे नेता नरेंद्र भाई मोदी जी करते हैं, उतना सम्मान जिस तरह से गीता और कुरान हम महाभारत रामायण को अपना मानते हैं वही हमारे लिए वेद है भारत का संविधान और उसी के अनुसार हम काम करते हैं। राहुल गांधी क्या कब बोलते हैं तो उनके बारे में बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं है, हिंदुस्तान को हमारे देश को उद्योगपतियों की जरूरत है और उद्योगपति भी उद्योग लगा करके जनता की सेवा करते हैं और केवल घृणित भावना ये राहुल गांधी का हम कह सकते हैं घृणित भावना है और ये देश विरोधी ये बयान है और देश को कमजोर करने वाला बयान।